चलो यहाँ ये भी मैंने मार्क कर दिया। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय, फिर बात होती है। क्या कर रही हो? यार कुछ नहीं, दानिश की कॉल थी, उससे सारे मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स ना मार्क करवा लिए। दानिश वो चश्मिश? हाँ वही चश्मिश, तुम्हें पता है ना लास्ट टर्म में उसके 4.1 जीपीए आए थे, और तो और सर उस्मान का फेवरेट स्टूडेंट भी है। तो बताया उसने कुछ? यार पूरी किताब तो उसने मार्क करवा दी, और मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। कह रहे ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, समझ से बाहर है। यार खुद तो उसको पढ़ पढ़ के ना चश्मे लग गए, लगता है मेरा दिमाग भी खराब हो जाना। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, सही बोल रही हूँ यार, इस बार ना मुझे फेल नहीं होना, फेल हुई ना यूनिवर्सिटी से तो बाहर निकाल ही जाऊंगी, लेकिन वार्डन ने ना मुझे भोरिया बिस्तरा उठा के बाहर भेज देना। देखो टेंशन मत लो, इस बार तुम पास होगी, मैंने कहा ना। यार टेंशन वाली तो बात है, इतनी मोटी बुक मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी सहर। अब इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे इस बार सबके पेपर्स फर्स्ट क्लास आएंगे। पेपर आउट, वो भी यूनिवर्सिटी से? हाँ यार, क्या बोल रहे हो यार, तुम पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर कोई भी हरकत की ना तो हम पे केस हो सकता है। तो मेरी मदद कर रहा है या मुझे डरा रहा है? अरे भाई मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन एक बात बताऊं शामिर, जब से ये शहर तुम्हारी जिंदगी में आई है ना तुम पागल हो गए हो, तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मेरे भाई हजार तरीके हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा यार। देख भाई मैं तो जैसे तैसे पास हो जाऊं, फिक्र है तो मुझे उसकी। तो उसकी फिक्र क्यों कर रहे है? वो जो फर्रे इस्तेमाल करके वो पहले पास होती है अब भी हो जाएगी, और वैसे भी जो दो चार बूटियां तेरे पास है वो भी उसको दे देना और कहना कि ये लो देख लो और पास हो जाओ, लेकिन प्लीज अपने दिमाग से ना इस तरह के शैतानी ख्याल निकाल दो। बेटे फर्रे पकड़े गए हैं आगे भी, और इन्विलिजेशन जो है ना वो बहुत टफ हो गई, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो जब तू मुझे भी मरवाएगा साथ? मेरी बात सुन, हम कभी पहले पकड़े गए, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है तू? अबे ज़बान भी कोई चीज़ होती है, उसको दी हुई है, पूरी करनी है। मैं तुम्हारे फैसले को सुनने के लिए दिलो जान से बेचैन हूँ शायद, जिसमें तुम खुद साख्ता बेड़ियों से आजाद होकर मेरे हक में फैसला सुनाओगी। शायस्ता मैं तुम्हें संधेरे इस घुटन से बाहर निकालना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें। तुम इस मुरझाए हुए चेहरे को खुशी कहती हो शायद, जिसमें सिवाय खामोशी को कुछ भी नहीं।